हाँ, अब हम लोग जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 × 10⁻⁷ है, लेंथ इसका 15 मीटर है और रेसिस्टेंस इसका 5 ओम है, तो बताइए कि इसका रेसिस्टिविटी कितना होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अगर नहीं पता तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, इस थ्योरी का लिंक। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी, इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं थर्मल को, ये इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं, जो हमको पता करना है। ये रेसिस्टेंस है, ये लेंथ ऑफ वायर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी को हमको निकालना है, तो इस ए को उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, इसको इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आर इंटू क्या ए और एल इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया क्या, रेसिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय क्या, लेंथ। सारा का मान बैठा देंगे, रेसिस्टेंस का मान क्या दिया हुआ 5, क्रॉस सेक्शनल एरिया 6 × 10⁻⁷ और लेंथ की बात करें तो 15, ये 6 × 5 क्या हो गया 30, ये 15 का 15 ऐसे ही रह गया, 15 × 30 ये 2 बार में कट गया, और 10⁻⁷ इतना इतना ओम मीटर मेरा क्या हो गया, रेसिस्टिविटी आंसर हो गया। ठीक है, और अगर आपको कहते हैं और भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज या एग्जाम्पल का सॉल्यूशन चाहिए इस चैप्टर का, तो आप डिस्क्रिप्शन देख लो।